हेलो। हाँ हाँ सर, सर मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, तो सर अभी तो आ रहा है, पर सर आप सिर्फ वो कॉल रिकॉर्डिंग पे लगा सकते हो सर, मतलब अगर बीच में चला गया। ऑलरेडी लगा हुआ यार। अच्छा हाँ ठीक है। नैनिका है लाइन पे भी? दिखा तो रही है पर पता नहीं, आवाज़ नहीं आ रही और माइक्रोफोन म्यूट है। अच्छा, तुझे याद है लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया क्या था? सर वो कॉम्पोजिट फंक्शन सर, एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स, वो पढ़ा कंटिन्यूटी था, निकालना। हाँ वो वाला पार्ट हेलो किया था ना मैंने। सर, वो कॉम्पोजिट वाला हो गया था, एक जो सेल्फ प्रैक्टिस जो जो दिखा है वो सॉल्व किया था हम लोग ने, और उसके बाद अभी करना। मतलब अभी हमें पढ़ना है कॉम्पोजिट फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, ये पढ़ना है मैं भी ना। चलो ठीक है यार, इसको देख लेते हैं यार। इसमें क्या है कि फर्स्ट पॉइंट क्या हेलो बोलते सर, हैं? हाँ नैनिका, कुछ सर आपने क्या पढ़ाया अब तक? नहीं पढ़ा बेटा, पढ़ाने जा रहा हूँ। कैसे? कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल में सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है वो, अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटर सॉरी ओपन इंटरवल ए टू बी इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए टू बी। अगर ए टू बी के हर एक ए टू बी के बीच में हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं थी, हमें पहले ही पता थी कि ऐसा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे, मतलब कि इसकी बात करेंगे, तब क्या हो रहा होगा? तो हम बोलेंगे कि इसके लिए फंक्शन को पहली बात तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए और दूसरी बात है कि एंड पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना? ओपन इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड पॉइंट कौन से हैं? ए है तो ए पे हमें लेफ्ट साइड से कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी और बी पे हमें राइट साइड से कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ये बात समझ में सर मुझे उन दोनों में डिफरेंस नहीं समझा सर। मतलब देखो, अगर ओपन इंटरवल की बात हो रही होगी तो तुम क्या बोलोगे कि ए और बी पे तुम्हें कोई मतलब नहीं कि वहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, फंक्शन डिफाइन भी है या नहीं है, ए अच्छा और हाँ बी ओ बीच हाँ समझ गया सर, समझ चाहिए, गया सर, मैं दोनों में ए हो गया था। समझ में है हाँ ना? सर और अगर वो हाँ क्लोज इंटरवल की बात कर रहा होगा तो ए पे हम चेक करेंगे राइट साइड से कॉन्टिन्यूटी और बी पे हम चेक करेंगे लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूटी, और ओपन इंटरवल पे तो चेक करना ही करना पड़ेगा। सर, अगर ए पे भी वो कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हाँ एंड राइट दोनों से नहीं चेक करना पड़ेगा? भाई, ए तुम्हारा बाउंड्री पॉइंट है ना, तो ए पे लेफ्ट साइड से तो तुम चेक ही नहीं कर पाओगे ना। अच्छा सर तो वो, अच्छा ठीक है सर ठीक। बाउंड्री पॉइंट पे वन साइडेड अप्रोप्रिएट लिमिट चेक करनी पड़ती है, आया हाँ। ना समझ में? सर वो याद है सर, पर मतलब अगर वो इंटरवल दिया है पर तो भी हाँ मतलब ऐसा हो सकता है ना कि वो बाउंड्री के बाहर भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। कर रहा होगा, हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें बस ए पे अगर चेक करना है, ए से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ए के राइट साइड पे देखना है और बी पे अगर वो एंड हो रहा है तो बी के लेफ्ट साइड पे देखना है। हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं कि बी के इधर क्या हो रहा है और ए के इधर क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, ओके सर ठीक है? हाँ सर मतलब हो सकता है कि ए के जस्ट पहले फंक्शन हो सकता है डिसकंटिन्यूअस हो, ऐसा जा रहा हो, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ए से बी के बीच में देखना, तो ए से स्टार्ट करके बी तक जाना, यानी ए के राइट साइड देखना है और बी के लेफ्ट साइड देखना है, तो ए का राइट कंटिन्यूअस और बी का लेफ्ट कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है, ठीक है ना? हाँ सर हाँ सर अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये ओपन इंटरवल की बात करता है तो ए से बी के बीच में तो यार इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे तो हम क्या उन इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे जाकर भी चेक करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स में तो चेक करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे कि हम कुछ कुछ थ्योरम्स याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं थ्योरम्स में? जैसे हम पहली बात ये याद कर लेते हैं कि जितने भी पॉलीनोमियल फंक्शन हैं, ये पॉइंट याद कर लो, जितने भी पॉलीनोमियल फंक्शन हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, ये सब अपनी डोमेन में, इवन आईडीएफ भी अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। जी अच्छा, अब हमें कहाँ कहाँ पे चेक करना चाहिए? अगर हमें इंटरवल में चेक करना, तो हमें कहाँ कहाँ पे चेक करना चाहिए? सबसे पहली बात,
कि जहां पे भी डेफिनेशन चेंज हो रहा होगा फंक्शन का वहां पे चेक करना चाहिए, ठीक है। अगर कभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स टाइप का फंक्शन बन जाए तो चांसेस हैं कि जहां पे एफ एक्स इंटीजर हो रहा होगा वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, या अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स बन जाए उसके लिए भी यही चांसेस हैं, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स होगा तो तुम्हें वो सारे पॉइंट चेक करने हैं जहां पे एफ एक्स इंटीजर बन रहा होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में अगर कभी सिग्नम ऑफ एफ एक्स बन रहा है तो सिग्नम ऑफ एफ एक्स में क्या हो जाता है कि जब एफ एक्स जीरो हो रहा होगा, क्योंकि सिग्नम वाला फंक्शन वहीं पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो अगर सिग्नम ऑफ एफ एक्स का केस होगा तो वो पॉइंट चेक करने होंगे जहां पे एफ एक्स जीरो बन रहा होगा, ठीक सर है। पर ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं ना कौन सा वाला? सिग्नम। अरे वैसे तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अगर हम केवल ऐसे ही सोच रहे हो अच्छा तो वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है, कभी कभी हो सकता हो भी जाए, वो उसमें डिपेंड करता है कि सिग्नम के अंदर फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है सर, वो। वो अगर इंटरवल दिया रहेगा तो ठीक हाँ है सर। तो उस पर भी कभी कभी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कभी फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस हो तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर वाला फंक्शन जी एक्स उसके जितने भी पॉइंट हैं डिसकंटिन्यूटी के वो वहां पे चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा एफ का अगर डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट सी है तो हमें देखना पड़ेगा कि जी एक्स अपना सी कहाँ पे वैल्यू ले रहा है, वहां पे चेक करना पड़ेगा। ये बातें समझ में आ रही है? सर सर लास्ट ऐसा पॉइंट क्यों? आप समझा सकते हो? लास्ट पॉइंट वही है जैसे अभी हमारा फ्रैक्शन इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स है सपोज, तो हम पहले तो ये देखेंगे कि भाई एफ एक्स कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, पहले तो हमें यही चेक करना पड़ेगा। फिर हम ये देखेंगे कि हाँ भाई फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है ना, तो हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाला फंक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे इंटीजर हो रहा है, वहां पे भी डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस है। हाँ तो ये वही एफ ऑफ जी एक्स वाला केस हो गया या जी ऑफ एफ एक्स वाला केस हो गया कि पहले अंदर वाले की डिसकंटिन्यूटी चेक करो, फिर बाहर वाला जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है एफ एक्स को उससे इक्वेट करके देखो। तो मैंने वो फोर्थ पॉइंट है वो जनरलाइज कर दिया, ये दो तीन तो स्टैंडर्ड फंक्शन थे, फोर्थ पॉइंट को मैंने जनरलाइज कर दिया है। अभी क्लियर है? सर अच्छा, अब जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल 36 है, एक एग्जाम्पल हम करते हैं, वैसे इतना बड़ा एग्जाम्पल कभी आता नहीं है, लेकिन सपोज हमारे पास एग्जाम्पल 36 है, उसने पता नहीं क्या किया है इसको, बहुत बड़ा सा कुछ लिख दिया है, मैं साइड में लिख करके ना फिर इस पे ही पूरा का पूरा काम कर लेता हूँ। या देख लो तो क्या हो तो उस पे भी देख लेते हैं एक बार। चलो मैं एग्जाम्पल 36 ही बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 36 लिखा हुआ है हमारे पास, सपोज एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे उसने डिफाइन किया हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x फॉर ऑल एक्स लाइंग बिटवीन 0 टू 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x इंटू सिग्नम ऑफ माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स लाइंग बिटवीन 1 टू 2। तो सपोज मैं ये बोलता हूँ कि इसके बीच में जितने भी पॉइंट हैं पहले तो वो हमें निकालना है, और हर एक पॉइंट पे हमें उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। काफी बड़ा सा क्वेश्चन बनेगा लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम काफी कुछ कर लेंगे। तो हम पहले क्या बोल रहे हैं कि हम वो सारे के सारे पॉइंट देखें कहाँ कहाँ पे चेक करना होगा। तो देखो पहले तो तुम ये देख लो कि कौन से पॉइंट पे चेक करना चाहिए। बाउंड्री पॉइंट में एक पॉइंट आता है 0, फिर जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वो वाला पॉइंट आ रहा है 1, और एक और बाउंड्री पॉइंट आ रहा है वो 2। इतने पॉइंट तो आ गए अपने पास, ये तो तीन पॉइंट वो हो गए जो बेसिक बेसिक हमें दिख जाते हैं कि 0 बाउंड्री पॉइंट है, 2 बाउंड्री पॉइंट है, और 1 वो वाला पॉइंट है जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। अब 0 से 1 के बीच में हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट होने चाहिए। तो 0 से 1 के बीच में हमें ये देखना पड़ेगा कि 2x जहां पे भी इंटीजर बन रहा होगा वो सारे पॉइंट उठा लो, ठीक है। हाँ सर, तो हम हाँ देखेंगे, सर हमें दिख रहा होगा कि x कौन सा वैल्यू लेगा, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 0 लेगा, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है,
अगर 2x को 1 से इक्वेट करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा 1/2, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2x को 2 से इक्वेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 0 से 1 के बीच में ये वाले 3 पॉइंट आ गए, इससे आगे जाने का कोई सेंस बनता भी नहीं है, तो मैंने इसको तो यहाँ से हटा दिया। अब हम जरा देखते हैं इसके लिए कि ये आगे 1 से 2 के बीच में क्या होगा। तो फिर से क्या आता है कि 3x जहाँ जहाँ पे इंटीजर बन रहा होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने दिखाया 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लिख दिए यहाँ पे, एंड सो ऑन। जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 0 तुम ले नहीं सकते, 1/3, 2/3, 3/3 तक तुम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो 0 से 1 के इंटरवल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम कौन से ले सकते हैं? 4/3, 5/3 एंड 6/3 ले सकते हैं। एक्स को जब करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 4/3, एक आ जाएगा 5/3 और 6/3, तो 2 अपना आ ही गया है। तो इसके डिसकंटिन्यूनेस होने के चांस इतने सारे हो सकते हैं। अच्छा, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स करोगे तो वो तो तुम्हारा एक्स इक्वल टू 0 आने वाला है, जो 1 से 2 के बीच में है नहीं। तो हमें इतने पॉइंट्स दिख रहे हैं, वी हैव टू चेक द डिसकंटिन्यूटी एट दीस पॉइंट्स। यहां तक क्लियर है? हेलो सर, आपने सिग्नम का क्या बोला? सिग्नम ऑफ माइनस एक्स के लिए मैंने बोला कि सिग्नम के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसको 0 करना होता है, वहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है वो, पर वो होगा नहीं। हां तो वो तो होगा नहीं, ऑब्वियस वाला आप समझा सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो फंक्शन होता है वो जहां जहां पे इंटीजर बन रहा होगा वहां पे इंटीजर। हाँ, तो मैंने वो सारे इंटीग्रल वैल्यूज लिखे और मैंने यहाँ पे 0/3, 1/3, 2/3, 3/3 ये सब तो इस इंटरवल में आने वाले हैं नहीं। या हाँ, अगर वन वन यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं था तो वन सपोज यहाँ आ गया, चलो वन आ गया यहाँ पे, और 4/3 आएगा, 5/3 आएगा और 2 आएगा। सिग्नम के लिए कोई वैल्यू आना नहीं है। अब हमें चेक करनी है, तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हम इतने सारे पॉइंट पे ऑब्वियसली नहीं चेक करने वाले हैं। देखो ये तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम कहाँ देखोगे? बाउंड्री पॉइंट पे। तो 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि 0 बाउंड्री पॉइंट है और 0 बाउंड्री पॉइंट पे हमें केवल एक साइड की ही कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, दोनों साइड की नहीं करनी है। तो हम केवल एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 पे चेक करेंगे तो एफ 0 जो है वो डेफिनेटली 0 आने वाला है, और जब हम आर एच एल फाइंड करेंगे इसका तो आर एच एल क्या हो जाना चाहिए? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। वैसे तुम ग्राफ से भी बना सकते हो, और ये 2 times h आएगा, ठीक है। 0 प्लस h करोगे तो 2 times h आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। तो फंक्शन जो है वो 0 पे तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, और ग्राफ बना के चेक करोगे तो भी तुम्हें कंटिन्यूस मिल जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 1/2 पे श्योरली डिसकंटिन्यूस होने वाला है, क्योंकि स्टेप फंक्शन है ये। हमने x को 2x से रिप्लेस कर दिया, ग्राफ देखोगे तो थोड़ा सा श्रिंक हो गया होगा, जो वैल्यू 1 पे आ रही थी अब वो हाफ पे आ रही होगी। ओके, तो यहाँ पे तो हमें क्लियरली पता चल गया कि ये डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा होता तो हम यहाँ पे LHL RHL करते, लेकिन अभी यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली पता चल गया। अच्छा, 1 पे क्या है? 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो चलो 1 पे भी चेक करते हैं। अब x इक्वल टू 1 पे जब तुम जाओगे चेक करने के लिए तो क्या होगा? यहाँ पे LHL चेक करते हैं। LHL क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 - 2h, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? सर एक मिनट, सर 1 से पहले वाली डेफिनेशन ये है। तो मतलब 1 - h, 2 × 1 - h। हाँ, 2 × 1 - h करेंगे तो वो 2 - 2h आ रहा होगा। सर पर हमने LHL क्यों लिया उधर? अच्छा, लेफ्ट हैंड। सर मुझे वो 2 - 2h नहीं समझा। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं लिखूंगा इसको एफ ऑफ 1 - h, ठीक है। सोहम, हाँ मैंने लिखा एफ ऑफ 1 - h, ये ठीक है ना? हाँ। तो 1 से पहले वाली डेफिनेशन कौन सी है? ये है, हाँ, 2x वाली। और x की जगह पर हमें क्या रखना है? 1 - h। हाँ, तो x की जगह पर 1 - h रखो जरा, तो क्या आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हाँ सर, 2 - 2h। तो ये वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? 1। यार ये नंबर जो है ये लेस देन 2 हुआ ना? हाँ, लेस देन 2। हाँ सर, हाँ सर, लेस देन 2 है तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 आएगा।
अच्छा अब हम ये देख लेते हैं कि फंक्शन का वन पे वैल्यू कहाँ कितना आ रहा है, तो तुम ये देखो वन कहाँ इंक्लूड हो रहा है, वन तो यहाँ इंक्लूड हो रहा है, अगर वन मैं यहाँ पे रखूंगा तो मुझे मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थ्री इंटू सिग्नम ऑफ माइनस वन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थ्री जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर सी बात है कि एल एच एल और फंक्शन का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, तो फंक्शन यहाँ पे कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, हाँ क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए तो फंक्शन का वैल्यू एल एच एल आर एच एल तीनों इक्वल होने चाहिए ना। हमने आर एच एल सॉल्व ही नहीं किया, एल एच एल और फंक्शन का वैल्यू निकाला और वहीं से ये हमें पता चल गया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। हाँ अच्छा अब कौन सा पॉइंट होता है, हमारे ये तीन पॉइंट खत्म हो गए, अब कौन सा पॉइंट आता है, 4/3। ठीक है तो 4/3 पे देखो, 4/3 पे ये वाला फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस है और 4/3 पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है। हाँ और कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस करते हैं तो क्या आता है, डिसकंटिन्यूस आता है कि कंटिन्यूस आता है, सर कंटिन्यूस भी आ सकते हैं और पता नहीं। होती थी कंटिन्यूस आने की कंडीशन क्या होती थी,